नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। सूजी के अप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी 1 कप, दही आधा कप, प्याज बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, घी एज यूज, नमक, खाना सोडा और राई। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल लें, इसमें डालें सूजी। सूजी हमारी बारीक है, हमने छान ली है। इसमें डालें आधा कप दही। अब इसे अच्छे से फेंट लें। आधा कप डालें पानी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दें ढक के। जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है, कढ़ाई पैन को गरम करें। इसमें डालें घी, घी हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें डालें राई, राई को चटकने दें। राई हमारी चटक चुकी है। अब इसमें डालें प्याज, प्याज हमारी हल्की सी भुन गई है। अब इसमें डालें शिमला मिर्च और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। अगर आप चाहें तो इसे हम कच्ची भी डाल सकते हैं, प्याज टमाटर को। इसमें बस राई का तड़का लग जाएगा। प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब गैस को कर दें ऑफ और इसे अच्छे से होने दें ठंडा। आप इसमें चाहें टमाटर, गाजर, मटर कुछ भी डाल सकते हैं। गैस को कर दें ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। 20 मिनट हो चुके हैं बैटर को रखे हुए और ये हमारी फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम इसमें डालेंगे। इसे करें मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे नमक एज योर टेस्ट। इसमें हम लाल मिर्च भी डाल सकते हैं पर हमने डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे खाना सोडा। खाना सोडा हम जैसे अगर हम रात को भिगोएं दही में सूजी तो हम खाना सोडा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हम इंस्टेंट बनाने हैं तो हमें डालना पड़ेगा। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। गैस को ऑन करें, पैन को गर्म होने दें और थोड़ा थोड़ा डालें घी। अब हम अपनी इस फिलिंग को डालेंगे चम्मच की सहायता से। और इन गड्ढों से ज़्यादा ना डालें वरना ये हमारा स्टैंड ख़राब हो जाएगा, बाहर निकल आएंगे फूल के। अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए एकदम सिम आंच पर छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुकी है। ऊपर से लगाएं घी। हम इसे पलटेंगे। अप्पे हमारे हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अप्पे बनकर तैयार हैं। इसे आप सॉस, चटनी, मीठी सॉस किसी से भी खा सकते हैं। अब म्यूनिस सैंडविच ऑन तवा बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, प्याज बारीक कटा हुआ,
टमाटर बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, मेयोनीज क्रीम, बटर या घी, नमक, काली मिर्च। आइए स्टार्ट करते हैं। एक कटोरा लीजिए, इसमें डालिए प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, इसमें डालिए मेयोनीज क्रीम, अब हम ब्रेड सैंडविच को सेक लेंगे। म्यूनी सैंडविच बनकर तैयार है। इसे आप सॉस, चटनी या चाय के साथ खा सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और कोई भी वैरायटी की आप सब्जियां ले सकते हैं, म्यूनीज क्रीम, नमक, काली मिर्च, बटर, चटनी, टमाटो सॉस और ब्रेड स्लाइसेस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लीजिए, उसमें डालिए प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, इन सबको कर लीजिए अच्छे से मिक्स। और इसमें डालिए मेयोनीज क्रीम, इसे कर लिया अच्छे से मिक्स। अब इसमें डालिए थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब लीजिए ब्रेड स्लाइस, इसे साइड में करिए और लीजिए बटर। अब बटर के छोटे छोटे स्लाइस ब्रेड पर लगाइए। अब इसमें लगाएंगे चटनी, इसमें लगाएंगे अपना म्यूनीज मिक्सचर, दूसरी ब्रेड पर ही ऐसे बटर लगाएंगे। इस पर भी चटनी लगाएंगे।
इसे हम अपने ब्रेड म्यूनिस सैंडविच के ऊपर रख देंगे। अब इसे हम दोनों साइड से बटर लगाएंगे और इसे हम रख देंगे अपने ग्रिल सैंडविच टोस्टर के ऊपर। ऐसे ही हम ऊपर से बटर लगाएंगे थोड़ा सा, जिससे ये हमारा चिपका है ना। ऐसे ही हम दूसरा लगा लेंगे। अब इसे हम करेंगे बंद। ऐसे हम करेंगे ऑन। सैंडविच हमारा सिक चुके हैं। अब बटन को करेंगे बंद और इसे हम खोलेंगे। ये देखिए, अब इसे हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। अब हम इसे करेंगे बीच में से कट। ग्रिल सैंडविच बनकर तैयार है। इसे आप सॉस, चटनी या चाय के साथ खा सकते हैं। सूजी के रोल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल सूजी, आधी कटोरी दही, आधा कटोरी पानी, 2 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, रिफाइंड ऑयल, टमाटो सॉस, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, राई, नमक, मिर्च, खटाई, हल्दी, आलू उबले हुए, छिले हुए और मैश किए हुए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूजी को अपने बाउल में डालिए। अब इसमें डालिए दही। अब इसे कर लीजिए अच्छे से मिक्स। डालिए 1/2 बाउल पानी। इसमें डालिए 1/2 चम्मच नमक। इसे अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। जब तक हमारी सूजी फूल रही है, जब तक हम बना लेते हैं फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए एक पैन लीजिए, उसे गैस पर रखिए। हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डालिए रिफाइंड ऑयल 2 टेबल स्पून। रिफाइंड को अच्छे से गर्म होने दीजिए। अब इसमें डालिए राई। राई को अच्छे से चटकने दीजिए। इसमें डालिए 1/2 चम्मच जीरा, इसे अच्छे से भूनने दीजिए। हल्दी पाउडर अच्छे से कर दीजिए मिक्स। हल्दी और राई और जीरा सब मिक्स हो चुका है। उसमें डालिए प्याज। इसे हल्का ब्राउन होने तक भून। प्याज हमारी हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब उसमें डालिए अपने मैश किए हुए आलू। इसे कर लीजिए अच्छे से मिक्स। जो बड़े दिखे उसे कर दीजिए मैश। अब इसमें डालिए खटाई पाउडर। अब इसे कर लीजिए अच्छे से मिक्स। 15 मिनट हो चुके हैं। सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे करें मिक्सी जार में। इसका हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे।
पेस्ट बनकर तैयार है। फिलिंग हमारी हो चुकी है ठंडी, अब हम इसकी बनाएंगे रोल, जिससे हमें नाश्ता बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। रोल हमारे बन चुके हैं, अब गैस को करें ऑन, तवे को होने दें गरम, इस पर डालो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, पैन हमारा हो चुका है गरम, अब इसमें डालिए अपना पेस्ट। अब इसमें डालती थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, इतना चीला लीजिए, इसमें लगाया थोड़ा सा टमाटो केचप, अब लगाइए अपनी आलू वाला रोल, इसे करिए पैक। इसको कर लें बीच में से कट, सूजी रोल बनकर हमारे तैयार। हलवे बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च कटी हुई बारीक, नारियल कद्दूकस किया हुआ, पानी एक बाउल, बेसन एक बाउल, दही एक बाउल, एक चम्मच राई, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग जार में बेसन डालेंगे एक बाउल, दही डालेंगे एक बाउल, पानी डालेंगे आधा बाउल, एक चम्मच नमक और एक चौथाई चम्मच हल्दी। अब इसे हम मिक्सी से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें बाकी का बचा हुआ पानी डालते हैं, ऑन करिए। अपना ये बैटर को पैन में डालिए, लगातार चलाते हुए इसे एकदम थिक स्मूथ बैटर तैयार कर लीजिए। थिक बैटर बनकर तैयार है, गैस को करें ऑफ और इस बैटर को लीजिए अपनी थलिया या ट्रे जिसमें चाहे उसमें लगाइए और इसे ढक दीजिए, नहीं तो ये ठंडा जल्दी हो जाएगा, और इसे अपने स्पैचुला से फैला लीजिए, एकदम पतला बैटर फैला लीजिए। हमने ये तीन जगह लगा के रख लिया है और ये 4 मिनट के लिए सुखा के रखा है। अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग
चाकू की सहायता से इसे हम इसकी नोक से ऐसे करेंगे जिससे हमारे ये रोल बन जाए। ऐसे हमने रोल बना के रख लिए हैं। अब तड़का बनाते हैं। गैस को ऑन कीजिए। थोड़ा सा कम कर लीजिए। रिफाइंड ऑयल डालिए। रिफाइंड ऑयल को गर्म होने दीजिए। रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है दावे हो गया। गैस को बंद नहीं कर दीजिए। मत डालिए राई। हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अब इसे ऊपर से सजा देंगे। ये हमने तड़का लगा दिया है। अब इसमें डालेंगे बारीक कद्दूकस किया हुआ नारियल। खांड भी बनकर सूजी का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी 1 कटोरी, दही आधी कटोरी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया, और आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं, गाजर, मटर, बीन्स वगैरह कुछ भी, कड़ी पत्ता, रिफाइंड धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, नमक, बेकिंग सोडा और राई। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लें। अब हम इसमें डालेंगे सूजी और दही। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब हम इसे आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे। इससे हमारी सूजी फूल जाएगी। आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। अब हम पहले से करेंगे अच्छे से मिक्स। इसे हमें बनाना है इडली का बैटर जैसा। अब इसमें और पानी पड़ेगा। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया, करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। ये हमारा बहुत हेल्दी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक, रेड चिली पाउडर,
धनिया पाउडर और गरम मसाला। अब हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। बैटर हमारा रेडी है। अब हम करेंगे नाश्ता बनाने की पूरी। गैस पर तवा पैन या पैन रखें, इसमें डालें रिफाइंड ऑयल या देसी घी। घी को थोड़ा गर्म होने दें। इसमें डालेंगे हल्की सी राई और कुछ कड़ी पत्ते। अब हम इसमें डालेंगे अपना सूजी वाला पेस्ट। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर सीखने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे पलटेंगे। अब हम इधर से भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये हमारा दोनों तरफ से सिक चुका है। अब हम इसको करेंगे प्लेटिंग। अब हम इसे कट करेंगे। सर्विंग। सूजी का नाश्ता बन चुका है। इसे आप सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं।